हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो आज का नया रिक्रूटमेंट निकला है, आज का नहीं 10 तारीख निकला है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। चलो देखते हैं क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 तारीख को ही निकला हुआ है। ITI लोग का भी है, ग्रेजुएट अप्रेंट, ये एक्चुअली अप्रेंटिसशिप है, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप 1 ईयर का। देखते हैं चलिए डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में क्या है। ग्रेजुएट लोग का 3100 है जो मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का है। स्टाइपेंड यहाँ पर दिया हुआ है, ये 1 ईयर का है। यहाँ पे कम्युनिकेशन का अलग से है वैकेंसी जो 29 है, अभी सेम है, पे स्केल सब, ड्यूरेशन सब सेम है एंड उसका भी और लोकेशन भी सेम है, आप देख सकते हैं। और आइए अब देखते हैं डिप्लोमा के लिए। मैं 4 नंबर पॉइंट देखिए, डिप्लोमा का है 27 तो वैकेंसी है, 1 ईयर का, 12,000 स्टाइपेंड पर मंथ। इसका भी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल स्टेट काउंसिल या फिर यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज हो गवर्नमेंट की तरह। देखिए वेस्टर्न रीजन, इसका भी सेम है लोकेशन, देख सकते हैं आप, जुहू, गोवा, पुणे, भोपाल, सिद्धि, समझर, भूज, दीयू, गोविंदपुर, इंदौर, जबलपुर, जलगांव, खलपुर, उडनोर, सहारनपुर, किशोर, नागपुर, सोनार्थ, ये सब। उसके बाद डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन, इसका भी सेम एज है, तो है कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, रेडियो इंजीनियरिंग, ये सब। और उसके बाद है हाँ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस, जो लोग IT सेक्टर से, ये लोग वैकेंसी अच्छा है, 24 यहाँ भी 24 है और 22 सॉरी 22 है यहाँ पर 24 है, अच्छा ही दिया है। बस जिन लोग का परसेंटेज अच्छा है वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग के लिए अच्छा होगा। कि ये परसेंटेज एकेडमिक परसेंटेज वाइज है, जिसका परसेंटेज अच्छा होगा वो पहले ही चांस पाएगा। तो ये 1 साल का है, आई थिंक ये सबसे अच्छा होगा अपना एयर विंग का अंडर अप्रेंटिसशिप लेने का, मेरे ख्याल से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप मान सकती हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आपका आपका पे स्केल भी अच्छा ही है, 12,000 अच्छा ही दे रहे हैं, ऊपर से आपको बहुत नॉलेज इसमें गेन होगा बहुत तरह का, तो मेरे ख्याल से आप इसको अप्लाई कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। 1 साल का है इसके लिए बहुत अच्छा होगा। देखो देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है, जो इसके पहले है वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन 2018 का पहले से वो एलिजिबल नहीं है, इसके बाद के जो पास आउट है वो एलिजिबल है। यहाँ पे देखिए, मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके ठीक से जाके चेक करिएगा और आराम से ठंडे दिमाग से अच्छे से पढ़िएगा, कि मेरा बस भी इतना टाइम नहीं है, ये बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो उठो। देखिए यहाँ पे सब कुछ डेट ऑफ बर्थ सब सब कुछ दिया हुआ है, इतना तरीके तक इतना होना चाहिए। ST ST का लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC का लिए, PWD के लिए 3 ईयर्स, ये सब जानते ही हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ रिसीव एप्लीकेशन 31 दिसंबर बाय 6 PM। इसका 9 तारीख से इसका एप्लीकेशन चालू हो गया। और हाँ एक बात, इसका पहले आपको MHRDNET से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस लिंक में जाना पड़ेगा। इस लिंक में जा करके जो आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है उसके द्वारा ये होगा, तो ये अच्छा ही है। पहले यहाँ पे जाके आप इसे कॉपी करिएगा, कॉपी करके सीधा क्रोम में जा करके पेस्ट करिएगा,
पेस्ट करने के बाद सीधा गो, तो आपका ये पेज खुल जाएगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे आपको रजिस्टर हियर कर दिएगा, हियर करने के बाद, अच्छा एक सेकंड सॉरी, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा फिर से देख लेते हैं, ठीक से देख लेते हैं आखिर क्या है। यहाँ पे देखिए आप ऊपर में देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें जाइएगा। सॉरी चला गया, ये जी आ गया यहाँ पे, जाते आप जाके यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। फिर करने के बाद आपका नोटिफिकेशन, आपका जो भी डिटेल्स है आप यहाँ पे ठीक से पढ़िएगा, पहले पहले पढ़ने के बाद ही आप इसको अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है, फिर चलते हैं बैक अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल में, यहाँ पे एनरोल में जाइएगा। एनरोल में जाने के बाद यू विल बी डायरेक्टेड, हाँ अब जा करके यहाँ पे आई एम स्टूडेंट करिएगा, आई एम स्टूडेंट। उसके बाद थोड़ा रुकिए, थोड़ा टाइम ले रहा है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 स्टेप है, 4 स्टेप आप ठीक से करिएगा एकदम। वेस्ट बंगाल से हो तो वेस्ट बंगाल करिएगा, आई एम आई हैव कम्प्लीट करिएगा, नहीं तो ये नहीं होगा। जो कम्प्लीट है उन लोग के लिए है, जो कम्प्लीट जो रनिंग है वो लोग के लिए नहीं है, ये फुल रेगुलर करिएगा फुल टाइम। इसमें सिर्फ नो नो करिएगा, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, बस कॉन्ग्रेट्स। ठीक है, हाँ इसके लिए इसके आगे बोल दे रहा हूँ, जो अप्रेंटिसशिप पहले ले चुके हैं वो लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप एक बार ही होता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो 1961 से जो एक्ट है उस हिसाब से। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स सब है आपका, ये 6 डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, वो आपको मस्ट लगेगा ही लगेगा, आपके पास हार्ड कॉपी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसको आप स्कैन करके PDF को वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। आधार कार्ड, लेट पर्सनल ईमेल ID वैलिड होना चाहिए, जो कि आपका रनिंग है आपका अभी डिवाइस में, मोबाइल नंबर, CMS, ईमेल ID, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, लेस देन 2000 का भी, बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्वालिफाइंग प्रोविजन, ये मेन चीज़ है। ये जिसका पास है वो कृपया कर ले, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके आगे भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए मुझको, इसके आगे मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, अभी तो मेरे पास ये सब डॉक्यूमेंट्स लास्ट का नहीं है, इसलिए मैं आगे नहीं कर पा रहा हूँ, जब होगा तो मैं दिखा दूँगा इसको पूरी तरह से। तो ठीक है, थैंक यू, देखते रहिए आगे, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।